नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये सामने जो ज़मीन है पूरी, ये 200 बीघा लैंड है। टोटल 200 बीघा का टुकड़ा है यहाँ पर और बहुत ही कम कीमत पर है। तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इसमें जो खास होने वाला है वो ये है कि यहाँ पर हर एक फसल हो जाती है और हाईवे से मात्र 7 किलोमीटर के दायरे में पक्का रोड है। आप जो है अपनी कोई सी भी किसी प्रकार की गाड़ी से आ सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ऐसे एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड। तो चलिए दोस्तों, ये है अपना नेशनल हाईवे, दिल्ली से लखनऊ वाला हाईवे है ये, ठीक है। NH 24 है और इसी रोड से मैं बात कर रहा था कि इसी हाईवे से मात्र जो है वो 6 या 7 किलोमीटर के दायरे में ये ज़मीन है। तो पक्का रोड है, ठीक है दोस्तों, एकदम पक्का रोड है। और जो है ये आप यहाँ तक अपना कोई भी वाहन ले आ सकते हैं। और गांव की बात करूँ तो गांव का जो नाम है वो है मरकरी गांव। मैं आपको सब चीज़ें इसलिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी कुछ जो है आपको वीडियो में ही मैं बता सकूँ। बाकी कुछ ये रह जाती हैं तो वो जो है मैं आपको, आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं या जो और भी हमारे जो नंबर हैं आप उन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको, मतलब मेरा फ़ोन बिजी होता है तो सबसे बात नहीं हो पाती। पर हाँ, और लोगों से भी बात आप कर सकते हैं, वो भी पूरी डिटेल आपको दे सकते हैं पूरी ज़मीन की। तो दोस्तों, ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे है और जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं कि पूरा जो क्षेत्र है वो एकदम ग्रीनी ग्रीनी है। मतलब आसपास का वाटर लेवल भी बहुत बेहतरीन है। बरेली की बात मैं करूँ तो यहाँ का, तो हर जगह जो कि अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करता हूँ तो लगभग मैं वही 30 से 40 फीट पर पानी आपको आसानी से मिल जाता है। तो जो दोस्तों, अब देखिए सामने जो गाड़ी जा रही है पंजाब का नंबर है, ठीक है। और ये नदी है एक छोटी सी जो हमको रास्ते में पड़ी है, और यही नदी जो है सारे आसपास के क्षेत्र में वाटर लेवल एकदम बनाए रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं नदी से, ताकि आसपास के क्षेत्र में जो है वाटर लेवल बना रहता है। और बहुत से लोग हमसे, मतलब नदी से दूर मांगते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें 5 किलोमीटर के आसपास ही दिला दो। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ घाटे होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम, प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट की ज़मीन चाहिए होती है। किसी को 50 बीघा, किसी को 10 एकड़, किसी को 20 एकड़, किसी को 50 एकड़, किसी को 400-500 एकड़ चाहिए होती है। तो क्या होता कि मैं जो है हर किसी को पर्सनली मैसेज तो नहीं कर सकता, मगर आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देखते रहेंगे। और ये जो हम मुड़ चुके हैं, लिंक रोड है देखिए दोस्तों, और पक्का डामर रोड है। और रात ही बरसात हुई है तो थोड़ा सा आपको रास्ते में कहीं ना कहीं पानी भी भरा हुआ मिलेगा। और देखिए कितनी अंदर आकर, करीब मैं, हम लोग आ चुके हैं करीब 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं मेन हाईवे से। और ये देखिए सेंट अल्फंसा स्कूल है। आप देखेंगे जब आप चलेंगे मेरे साथ कभी विजिट करने, मैं इसलिए ये चीज़ें दिखाता चलता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ नॉलेज में रहे। तो दोस्तों, ये सेंट अल्फंसा स्कूल है और आप देख सकते हैं कि ये हाईवे से 3 किलोमीटर, ठीक है, जबकि कमर्शियल भी चीज़ किसी ने बना रखी है, तो कमर्शियल चीज़ भी उन्होंने 3 से 4 किलोमीटर अंदर बनाई है। तो आप समझ सकते हैं आसपास का क्षेत्र एकदम बढ़िया है, माहौल भी एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। क्योंकि माहौल भी लोगों को बहुत चाहिए, मतलब अच्छा चाहिए होता है, तो एकदम टोटल बहुत शांत प्रिय इलाका है। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी प्रकार की। आप आइएगा, अपने खेती के लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इंसान कहीं का भी अदर स्टेट या अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर आकर ज़मीन खरीद सकते हैं। और 200 बीघा, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो समथिंग 35 एकड़ जो है आपको ज़मीन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 एकड़ में 6.25 बीघा होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 एकड़ में 60-70 बीघा समथिंग पड़ती है। तो उसी हिसाब से आप लगभग, मैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये लगभग में 35 बीघा के आसपास ज़मीन का टुकड़ा, 35 एकड़ ये जो है टुकड़ा है पूरा। तो अगर कुछ गलतियां हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ, कई सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने को। और मैं फिर भी आपके लिए जो है अलग अलग जगह पर घूम घूम कर तलाश कर आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिससे कि मुझे पता चलता रहे, मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, अगर किसी को ज़मीन अपनी बेचनी हो, अगर किसी भी को अपनी ज़मीन या कोई मकान या प्लॉट हमें बेचना हो,
तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, मुझे जो नंबर हैं उन पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक प्यारा सा बढ़िया सा बेहतरीन पूरे डिटेल के साथ में वीडियो मुझ तक शेयर कर सकते हैं, मैं जो है आपको अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं, 1-1.5 किलोमीटर और चलना है हमको, ठीक है। और देखिए पक्की डामर रोड है, देख रहे हैं आप आसपास, देखिए पानी कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई चल रही है, देखिए धान की खेती हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर धान की बुवाई, मतलब जहाँ जिस खेत में धान होता है वहाँ की मिट्टी भी अच्छी होती है, वहाँ वाटर लेवल भी बढ़िया होता है, क्योंकि बिना पानी बिना अच्छी मिट्टी के धान नहीं होता है, ये सच्चाई है। और ये जो गांव देख रहे हैं ये मरकरी, इस गांव का नाम है मरकरी गांव आ चुका है। तो दोस्तों ज़्यादा दूरी पर हम नहीं, मतलब ज़्यादा, मतलब खेत की लोकेशन ज़्यादा अंदर नहीं है और आपको हर एक फसल मिल जाएगी। देखिए गांव के अंदर अभी हम चल रहे हैं और सफारी गाड़ी यानी कि बड़ी गाड़ी है, तो आप मतलब कोई भी ट्रैक्टर ट्राली ला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुड़ने में। आपको मैं इसलिए हर एक चीज़ आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं बहुत जगह, मतलब व्हाट्सअप कर देंगे तो ज़्यादा मेरे लिए ईजी रहता है ना। और अगर के और विजिट करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे 2-1 दिन पहले कॉल कर दें कि सर हम आ रहे हैं और मैं जो है उस दिन हम लोग फ्री रहेंगे। अगर मैं ना हुआ तो हमारी टीम है पूरी लीगल टीम, और पूरी जो हमारी लीगल टीम होती है दोस्तों कागज़ की अगर मैं बात करूँ तो कागज़ भी जो है वो आपको पूरा लीगल टीम हमारी पहले वेरीफाई कर लेती है। अभी ये जो वीडियो है करीब हफ्ते भर पहले का मेरे पास है, तो पोस्ट मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कि हमें पूरे कागज़ चेक करने होते हैं, पूरे कागज़ वेरीफाई कर लेते हैं। आजकल थोड़ा माहौल भी कोरोना का चल रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा काम में दिक्कत आ रही है, पूरा काम कर नहीं पाते हैं, मतलब बहुत कोशिश करते हैं भागने की, जितना टाइम मिलता है उतना हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। पर क्या है कि क्योंकि 2 दिन का भी यूपी में जो है शनिवार संडे को लॉकडाउन रहेगा, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, यानी कि मैं अगर विजिट करना चाहूँ कहीं पर जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। अभी फिलहाल दिक्कत तो रहनी, पर हाँ काम भी करना है दोस्तों। और देखिए पक्का डामर रोड है, आप देख रहे हैं ना, एकदम पक्का डामर रोड है, और ये देखिए टर्न किया और बस सामने ही आपका खेत है, मात्र 400-500 मीटर। जी हाँ, तो दोस्तों वाटर लेवल बहुत बेहतरीन है, ठीक है, पास में ही जस्ट गाँव है, एक और दूसरा पास में गाँव है, तो आपको कभी लेबर की ज़रूरत पड़ती है या किसी और की ज़रूरत पड़ती है, लाइट भी आपके वहाँ तक पहुँची है, बस थोड़ा सा खेत की दूरी, देखिए खेत आ चुका है वही जिसके हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो दोस्तों खेत बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, देखिए सामने जो है कुछ जगहों पर धान भी बो रखे हैं और काम चल रहा है कंटिन्यू, तो पानी की आपको आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कन्वेंस यानी पक्के रोड से है, सस्ती पड़ेगी। अब मैं इसकी कीमत की बात कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट, तो कीमत दोस्तों इसकी जो है 1,30,000 रुपये इसकी कीमत है, निगोशिएशन है, प्राइस निगोशिएशन हो सकता है, ये सिर्फ डिमांड है, और जब आपको पसंद कर लेते हैं ये चीज़ तो आपको जो है मतलब कुछ ना कुछ तो सर हो गई कम, तो आप प्लीज़ अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि खेत तक जो है अगर बड़ी गाड़ी से आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुएगी आपको कभी आने में, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि 1,30,000 रुपये पर बीघा इसका प्राइस है, तो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या इन जो नंबर आ रहे हैं राजा राम जी ओमकार जी, इनको भी आप कांटेक्ट करके आप कोई भी क्यूरी अपनी पूछ सकते हैं। देखिए पूरा एकदम देखा ना, पूरा जो ये देखिए बराबर में ही गाँव है, लाइट भी मैंने आपको इसलिए दिखा दी है कि लाइट और बराबर से ही खेत है, ठीक है दोस्तों, तो आपको जो लाइट की कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कन्वेंस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पानी की दिक्कत नहीं होने वाली, तो फिर कुछ नहीं बचता मेरे हिसाब से। और कम प्राइस है 1,30,000 रुपये पर बीघा, ये बहुत कम प्राइस है, और निगोशिएशन हो सकता है, तो आप आसानी से आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।